नमस्कार मित्रों आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल पर मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से जुड़ी कुछ स्पेशल और एडिशनल बातें प्रिय दर्शकों आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सेकंड यानी कि कुंडली के लग्न कुंडली के दूसरे घर में यदि बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर इन सेकंड हाउस के प्लेसमेंट है तो दोस्तों आपको ये किस तरह का फल दे सकता है इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं शास्त्र यानी कि धर्म शास्त्र के द्वारा तो आइए दोस्तों लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन के बटन को भी प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले चलो चलो दोस्तों फिर करते हैं स्टार्ट इस पॉइंट को श्री राम जय राम जय जय राम मित्रों यदि आपकी हॉरास्कोप में सेकंड हाउस में लग्न कुंडली के यदि जुपिटर इन सेकंड हाउस की प्लेसमेंट है तो दोस्तों दूसरे भाव में गुरु बृहस्पति आपको किस तरह के शुभ अशुभ फलों को दे सकता है आइए जानते हैं शास्त्र के अनुमति के अनुसार शास्त्र की नजरों के द्वारा तो आइए दोस्तों शास्त्र क्या कहता है इस पर सुनते हैं धनमंदिर संस्थित प्रमदित रुचिर प्रमदापति मान धनो बसुर गुस प्रसवि के दोस्तों देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस में यदि है तो शास्त्र कहता है कि जिनके बृहस्पति हैं सेकंड हाउस में वो लोग स्वभाव से बड़े प्रसन्नचित होने वाले होते हैं यानी कि स्वभाव उनका बहुत ही खुशनुमा रहता है हमेशा जब आप उन्हें देखेंगे ऐसे व्यक्तियों को तो वो जो है हमेशा खुश मिजाज और प्रसन्नचित उनका मुखमंडल हमेशा हंसता हुआ आपको दिखाई देगा ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जो उनके लाइफ पार्टनर होते हैं वो बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले और उत्तम स्त्री या उत्तम पुरुष की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है और माणिक यानी कि जेम स्टोन से रिलेटेड या फिर स्टोन से रिलेटेड ये जो है जीवन में व्यापार करते हैं और बहुत अच्छा धन जीवन में कमाते हैं व्यापार से और दोस्तों उनका रूप रूप सौंदर्य बहुत अच्छा ऐसे लोगों का होता है बहुत ही सुंदर और वर्ण से संबंधित इनका शरीर होता है सुंदर शरीर वाले होते हैं दीर्घ आयु लंबी आयु लिए हुए होते हैं विनम्र होते हैं और सत्संगी टाइप के ऐसे लोग होते हैं सत्संग करना धार्मिक एक्टिविटीज़ इनके जीवन में बहुत सारी होती है और साहस और सदाचार जीवन में ये बनाकर रखते हैं सहनशीलता इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त होती है मीठा बोलना पसंद करते हैं ऐसे लोग और सभी के लगभग सभी के प्रिय होते हैं यानी कि अच्छे आ, सभी से अच्छा संबंध रखने वाले होते हैं अपने कार्यों को इस प्रकार से इस कदर अच्छा करते हैं हर एक कार्य को अच्छा करते हैं जिससे कि सम्मानित ये हर एक व्यक्ति से होते हैं सदैव हमेशा उत्साह इनके अंदर बना रहता है उत्साह वाली बातें करते रहते हैं सम्मान देना और इनको भी खुद भी कोई भी सम्मान बहुत मिलता है आ, अपना सम्मान अपनी इज्जत ही ऐसे लोग जो है बहुत बड़ा धन समझते हैं और इसीलिए दूसरों का आदर और स्वयं का आदर भी करते हैं इनकी बाणी बहुत ही प्रभावशाली होती है जो ये कहते हैं उसे लोग जो है बहुत यानी कि अच्छे तरीके से सुनते हैं और उनकी दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं जो ये बोलते हैं सत्य बोलते हैं और हकीकत इनकी बातों में झलकती है ये बहुत सारे लोगों को कोई संभाषण यदि करते हैं या फिर अपनी बात से हर एक व्यक्ति को मंत्र मुक्त कर देते हैं अधिकारों की प्राप्ति में ये बिल्कुल भी लेस मात्र जगह नहीं छोड़ते यानी कि अधिकारों को पूर्ण करते हैं और उन्हीं अधिकारों के चलते ये जीवन में बहुत ही धनाढ़ और धन पाने वाले व्यक्ति होते हैं संततिवान यहाँ होते हैं पुत्र अधिक पुत्र इनके होते हैं पुत्रियाँ भी होती हैं संपत्तिवान जीवन में होते हैं बहुत सारा धन संग्रह करने वाले होते हैं और पुण्यों को इकट्ठा करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं हमेशा पुण्य कर्म करते रहते हैं आ, अशुभ प्रभाव या अशुभ दशा की स्थिति में विपरीत फल को दे सकता है बृहस्पति यदि बृहस्पति किसी अपोजिट राशिगत बैठा हो बृहस्पति की सिचुएशन अच्छी ना हो जैसे कि बृहस्पति बुद्ध की राशि में या फिर शुक्र की राशि में यदि बृहस्पति बैठा हो तो वहाँ पर थोड़ा अपने परिणाम जो है वो थोड़ा अलग टाइप के और खराब परिणामों को दे सकता है दोस्तों इस प्रकार से ये सभी जानकारी आपको मैंने दी है और बृहस्पति सेक, सेकंड हाउस में कुंडली के बैठ करके जो है आ, आपको टीचिंग से संबंधित या फिर व्यवसाय से संबंधित प्रॉपर्टी से संबंधित नेतृत्व में नेता इत्यादि यानी कि राजनीतिक क्षेत्रों में भी आपको आगे बढ़ा सकता है और बृहस्पति बिजनेस के लिए भी सेकेंड हाउस में यहाँ पर काम करता है विशेषतर अधिकांश जो है सेकेंड हाउस में बैठा बृहस्पति जो है आपको बिजनेसमैन और एक अच्छा व्यापारी के रूप में जीवन को संवारता है यानी कि आप एक बहुत अच्छे व्यापारी हो सकते हैं और व्यापार से संबंधित जो है आप बहुत अच्छा धन प्राप्त जीवन में कर सकते हैं वहीं धार्मिक प्रवृत्तियों में भी आपका बहुत सारा धन और बहुत सारा समय आप जो है धार्मिक कार्यों में क्रियाकलापों में आप देते हैं और यही आपकी बहुत बड़ी सम्मान की वजह है बहुत इज्जतवान होने की वजह यही है कि आप हमेशा धर्म से जुड़े और धर्म से संबंधित होते हैं साथ में आप एक कट्टर अपने धर्म के प्रति माने जाते हैं जिसके कारण जो है आपका बहुत ही सम्मान और इज्जत समाज के अंदर बनी रहती है दोस्तों बृहस्पति का प्रभाव बहुत ही यूँ तो बृहस्पति के लिए कहते हैं कि बृहस्पति यदि अशुभ राशिगत हो या शत्रु राशिगत हो तो वहाँ पर बृहस्पति के बिल्कुल उल्टे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं जैसे कि बृहस्पति यहाँ जो है आपको व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाता है लेकिन बृहस्पति यदि अपोजिट राशि का तो शत्रु राशिगत जैसे मैंने कहा बुद्ध की राशि में या फिर शुक्र की राशि में बुद्ध की राशियां दोस्तों होती हैं बुद्ध कन्या मिथुन उपयुक्तम तो कन्या और आ, मिथुन और वहीं जो है शुक्र की तुला और वृष राशि में यदि इन चारों राशियों में यदि देव गुरु बृहस्पति यदि सेकंड हाउस में बैठे हैं तो दोस्तों वहां पर जो है आपको इसका ठीक उल्टा परिणाम दे सकते हैं व्यवसाय में कमी आ सकती है वहीं स्वास्थ्य कि हानि आपको लीवर से संबंधित या फिर नेत्रों से आँखों से संबंधित जो है प्रॉब्लम्स को दे सकते हैं धन कुटुम्ब से आपको जो है काफ़ी अच्छा लाभ नहीं होगा आपके भाई बंधु मित्र इष्ट यार जो हैं वो सभी जो है आपके लिए नेगेटिव रहेंगे और इस तरह का फल जो है बृहस्पति वहाँ पर बैठ करके आपको देता है लेकिन बृहस्पति की प्लेसमेंट को जानने के लिए बृहस्पति के शुभ पल को जानने के लिए या फिर आपकी कुंडली में दिए और ग्रहों के से संबंधित किसी क्वारी के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने कुंडली का प्रोडिक्शन दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कीजिए पहला नंबर व्हाट्सअप का है जिस पर आप अपॉइंटमेंट लेंगे और अपॉइंटमेंट के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा कि हम आपको सभी तरह के जो भी आपकी क्वारीज़ हैं उनके क्वेश्चन यथार्थ क्वेश्चन का आंसर आपको दे सके दोस्तों तो ये थी समस्त जानकारी सो तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के जरिए तब तक के लिए जय श्री कृष्णा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो